Students, today we are going to start chapter 2, part 2, chemical properties of acid and bases. Acid और bases के कुछ properties हम physical property पढ़ चुके हैं, कैसा taste होता है, litmus के साथ कैसा color show करते हैं, phenolphthalein के साथ कैसा color आता है इनका, bases का और acid का. अब हाँ यहाँ पे हम इसमें discussion करेंगे कि जो chemical properties हैं acid और bases की. सबसे first जो first chemical property है, reaction of एसिड एंड बेसिस विद मेटल. जो एसिड और बेस है जब वो मेटल से रिएक्शन करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है. सबसे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी से बताना चाहूंगी. अगर मेटल और एसिड की रिएक्शन करवाई जाए, हम लिख देते हैं यहाँ पे मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. जब भी मेटल्स की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जांपल अभी हमने ले लिया यहाँ पे जिंक मेटल, एसिड हमने लिया है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और यहाँ पे हमारे पास कौन से सोल्ट की फॉर्मेशन हुई है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारे यहाँ रिलीज हो गई है. अब देखो यहाँ से क्या होगा कि जो जिंक मेटल है वो क्या करेगी, जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फेट आयन है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सोल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी. तो जब भी मेटल्स और एसिड को इकट्ठा रखा जाता है तो उनके बीच में जो रिएक्शन होती है हमेशा किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सोल्ट की और हाइड्रोजन गैस की. इसको बताने के लिए एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी चेक कीजिए. जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमने यहाँ पे ले लिया है जिंक मेटल. क्या लिया है, जिंक मेटल. हमें दिखाना क्या है यहाँ पे, मेटल की रिएक्शन किसके साथ हमें दिखानी है, यहाँ पे एसिड के साथ. और बनता क्या, अभी मैंने बताया था आपको सॉल्ट और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस. अभी हम यहाँ पे देखो चेक करेंगे, हमने कौन सी मेटल ली है, जिंक मेटल ली है, और एसिड कौन सा लिया हमने यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड. लिक्विड फॉर्म में है आपका ये एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या आपके पास, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस रिलीज होगी साइड में, हाइड्रोजन गैस. अब हमने यहाँ पे जिंक डाल दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है, तो आपको यहाँ पे बबल्स नजर आएंगे. जो ये बबल्स हैं ये किस चीज के हैं, हाइड्रोजन गैस की. अब इसको डायरेक्ट हम ओपन तो रख नहीं सकते टेस्ट ट्यूब को, अगर टेस्ट ट्यूब को ओपन रखा तो सारी की सारी हाइड्रोजन गैस क्या है हमारी, बाहर निकल जाएगी. तो यहाँ पे एक लगा देते हैं हम, ये डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब नजर आ रही है. डिलीवरी का मतलब ये डिलीवरी कर देगी इसकी, कहाँ, किसी और जगह पे पहुंचा देगी इसको. वो हम देखेंगे कि हमें कहाँ पे पहुंचाना है हाइड्रोजन गैस को. यहां से हमारी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि उसके लिए बाहर जाने के लिए हमने कोई और रास्ता नहीं रखा है, हमने यही रास्ता रखा है हाइड्रोजन गैस का आने के लिए. यहाँ पे हम लेंगे एक कोई भी कंटेनर लेके, उसके अंदर हम डाल देंगे सोप सॉल्यूशन. ये सारा सोप सॉल्यूशन है हमारा. अब जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो किसके अंदर रिलीज होगी, सोप सॉल्यूशन के अंदर. फिर सोप सॉल्यूशन के अंदर वो सारी हमारी हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होके बबल्स की फॉर्म में हमें बाहर नजर आएगी. ये बबल्स नजर आएंगे हमें, वैसे तो गैस हमें नजर नहीं आती, लेकिन जैसे हमने सोप सॉल्यूशन लिया तो वो सारा हमें किस फॉर्म में नजर आएगा, बबल्स की फॉर्म में. अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सी गैस रिलीज हुई है. अभी हमें तो नहीं पता चलेगा देखने से बबल्स आए हैं तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है. तो हम पता कैसे लगाएंगे कि ये कौन सी गैस रिलीज हुई है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे. और हमें पता है जब भी हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज होती है तो वो एक पॉप साउंड के साथ जलती है. पॉप साउंड मतलब एक ब्रश साउंड प्रोड्यूस होती है हमारी. हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है और एक पॉप साउंड के साथ जलती है. तो जो हम ये कैंडल लेके आए हैं तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस बर्न हो रही है किसके साथ, पॉप साउंड के साथ. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वही एसिड और मेटल की रिएक्शन लिखी. यहाँ पे सोल्ट फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. हमने फिर चेक किया कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस हम कैसे पता लगाएंगे, उसको बर्निंग से टेस्ट करेंगे. अगर देखो यहाँ पे अगर मान लिया कोई और रिएक्शन होती और CO2 गैस रिलीज होती तो ये हमारी जो जलती हुई कैंडल है ये बुझ जाती, क्योंकि CO2 गैस क्या करती है, वो क्या करती है, आग को बुझाने के काम आती है. तो यहाँ पे हमारी कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग रुकी नहीं है, बर्निंग हमारी क्या हुई है, पॉप साउंड के साथ हुई है. तो हम बोल सकते हैं कि जब भी मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, रिलीज होती है आपकी हाइड्रोजन गैस. एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आप लिख सकते हो इट बर्न विद पॉप साउंड.
उसके बाद हमने यहाँ पे यही दिखाया था आपको जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और साथ में हमने किसको टेस्ट किया था हाइड्रोजन गैस बर्निंग के टाइम पे कि कैसी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन गैस की। अब इसी तरह एक आपने ये भी सुना होगा कभी भी हम जो भी हमारे एसिड है जैसे हम अचार वगैरह डालते हैं तो कभी भी उनको हम मेटल कंटेनर्स में नहीं डालते, एसिड और मेटल्स को इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि दे फॉर्म पॉइजनस सोल्ट, वो पॉइजनस सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन मतलब हमने साल्ट की फॉर्मेशन हो गई है। जो हमने अचार रखा था वो अचार है ही नहीं, जो हमने एसिड रखा था वो एसिड एक्चुअली में बचा ही नहीं है, मेटल ने क्या कर दिया उसको, मेटल ने उसको सोल्ट फॉर्मेशन में चेंज कर दिया है। आपने देखा होगा ना घर पे जो पिकल्स वगैरह है हम किस चीज में डालते हैं, किसी भी ऐसे कंटेनर में डाल लेंगे जैसे कि ग्लास का कंटेनर है या प्लास्टिक का बॉक्स है। कभी भी आपने मेटल के किसी कंटेनर में आपने घर पे देखा होगा हम अचार वगैरह को पैक नहीं करते हैं। वो यही रीजन है क्योंकि वो जो हमने अचार रखा है वो एक्चुअल में किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, मेटल के साथ। इसलिए मेटल की जगह पे हम किस चीज को ऐड करते हैं वहां पे, किस चीज में डालते हैं, किसी भी ऐसे कंटेनर्स में जिसमें एसिड की रिएक्शन ना हो, प्लास्टिक हो गया आपका या फिर आपका ग्लास हो गया, इस तरह के कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है पिकल्स को। दूसरा अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेटल की रिएक्शन तो हमने एसिड के साथ चेक कर ली है, अभी हम चेक करेंगे कि जो हमारे बेसिस हैं, बेसिस के साथ जो मेटल्स हैं वो किस तरह से रिएक्शन करती हैं। तो रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, मेटल के साथ अब आपको किसकी रिएक्शन चेक करनी है, बेसिस की। मेटल रिएक्ट विद बेस ऑल्सो फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल और एसिड की रिएक्शन करवाई गई तब भी आपका साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर मेटल अभी देखो हमने क्या चेंज किया, हमने मेटल तो वही लिया क्योंकि हमें मेटल के साथ रिएक्शन दिखानी है, पहले हमने एसिड के साथ शो कर दिया, अभी हम किसके साथ शो कर रहे हैं, बेस के साथ। फॉर्मेशन वही होगी सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हम यहाँ पे बेस कौन सा ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका ये। उसके बाद हमने मेटल ली है यहाँ पे वही सेम मेटल जिंक मेटल जो हमने एसिड के केस में यूज की थी, यहाँ पे हमने एसिड लिया था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, बेस ले लिया है। तो हमारे पास बनता क्या है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये क्या है, सोल्ट फॉर्मेशन है। सोल्ट क्या क्या नाम है हमारे पास, सोडियम जिंकेट। साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, साथ में रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन गैस, सेम वही आपका सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि जो भी हमारे सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो इस तरह के सोल्ट फॉर्मेशन नहीं करती है इन द केसेस ऑफ बेसिस। आप लिख सकते हो सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स। अभी यहां पे हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है बेसिस और एसिड्स की, मेटल के साथ रिएक्शन। अभी हम दूसरा यहाँ पे करेंगे, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम, अभी हमारी है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करेंगे, वही हमने एसिड और बेस की रिएक्शन चेक करनी है किसके साथ, मेटल और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अभी हमें क्या चेक करना है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स, और दूसरा क्या आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स एंड बेसिस। अब देखो पहले तो मैं आपको यही क्लियर कर देती हूं कि जो बेस है वो कभी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते, तो यहां पे कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं होगी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। लेकिन अब हम इसको किससे शो करेंगे, एसिड के साथ शो करेंगे, तो लिख लेते हम जब भी हमारा सबसे पहले है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट स्लैश लगा के मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन करके हमेशा क्या बनती है, सोल्ट बनता है, प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, साथ में आपका वाटर रिलीज होगा। तो क्या क्या होगा आपका, मेटल कार्बोनेट, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करते हैं सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन मतलब वाटर रिलीज होगा। अगर सेम यही रिएक्शन हम बेसिस के साथ करते हैं, मेटल कार्बोनेट में प्लस यहां पे क्या लिख रहे हैं, बेसिस,
बेस से अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के आप रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ध्यान रखेंगे आप मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बेसिस रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो एसिड रिएक्शन करते हैं वो क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और साथ में वॉटर रिलीज होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे, जैसे कि हमारे पास है क्या, नेक्स्ट फेज पे कर लेते हैं इसको हम, हमारे पास है अभी सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट लेना है ना हमें, मेटल कार्बोनेट ले लिया हमने यहाँ पे सोडियम, फर्स्ट रिएक्शन लिख रहे हैं हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मेटल है ना इसमें सोडियम और कार्बोनेट है ना CO3, तो ये क्या है मेटल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड से रिएक्शन करवानी है हमें मेटल कार्बोनेट की, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, वही सोल्ट, कौन सा सोल्ट, सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे, सोडियम क्लोराइड, इसको हम कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं NaCl, साथ में क्या बनेगा आपका वॉटर बनेगा, अभी हमने पीछे लिखी थी रिएक्शन, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करना मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता चुका है। अब इसमें चेक कीजिए, हमेशा जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट फॉर्मेशन होगी, वाटर फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। दूसरा हम चेक करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल है आपके सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन भी आपको किसके साथ करनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करनी है। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, सोल्ट प्लस वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी हमें चेक करना है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है ये कौन सी गैस है, वैसे तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्या बनी है, तो इसको हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो हम क्या करते हैं, हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को थ्रू द लाइम वॉटर, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वॉटर। लाइम वॉटर क्या होता है आपका, चूने का पानी, इसको हम लिखते हैं लाइम वाटर होता है क्या आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो रिएक्शन लिखिए, आपको क्या करना है, लाइम वाटर लेना है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका केमिकल नेम, CO2 गैस पास करनी है आपको, गैसेस फॉर्म है हमारे पास ये एक्वस फॉर्म है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब आपका वाटर की फॉर्मेशन होगी, और जो आपके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ये हमारे पास व्हाइट कलर का सोल्यूशन आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब देखो स्टार्टिंग में जो ये सॉल्यूशन था ये वाटर के जैसा होता है, जैसे पानी है ना, ऐसे लगेगा जैसे पानी है, सेम आपका ट्रांसपेरेंट होता है वाटर के जैसे, और इसके अंदर से जो हमारी CO2 गैस बनी हमें वो पास करनी है, तो जो ट्रांसपेरेंट था आपका, जो कलरलेस सॉल्यूशन था, उससे कैसा कलर आ जाएगा हमारे पास, व्हाइट कलर, तो हमें कलर चेंज नजर आएगा सॉल्यूशन का। तो जैसे हमें कलर चेंज नजर आता है तो हम पता लगाएंगे कि ये कलर चेंज किसकी वजह से हुआ है, ये कलर चेंज हुआ है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने क्या किया है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी वजह से कैसा कलर चेंज आएगा आपका, व्हाइट कलर चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखें, हम इसके अंदर से इस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पास करते रहें, पहले तो एक बार तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, फिर लगातार अगर हम कंटिन्यू इस रिएक्शन के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते रहेंगे कंटिन्यू, यहाँ पे एक्सेस में रखेंगे हम CO2 को, अगर तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक सोल्ट फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी खासियत क्या है कि ये सोल्ट फॉर्मिंग के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ये क्या है, सोल्यूबल इन वॉटर। तो देखो आपको रिएक्शन में क्या नजर आएगा, एक बार तो आपके पास कलरलेस है सोल्यूशन, फिर एक बार आपके पास व्हाइट कलर नजर आएगा आपको, फिर से दोबारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, कलरलेस। तो इसका मतलब कि जो हमारा कलर के अंदर चेंज आया है, जो कलरलेस से व्हाइट कलर, फिर दोबारा से जो हमारा सोल्यूशन वो कलरलेस हो गया है, ये दोबारा कैसा हो जाएगा हमारे पास, कलरलेस। तो ये किस वजह से हुआ हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। तो ये सब क्या हमारा रिएक्शन दिखाई हमने, CO2 को पास करके दिखाया है और बताया है कि CO2 की वजह से हमें क्या नजर आएगा, कलर चेंज नजर आएगा। अब इसके अलावा जितने भी आपके जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, जो आपके लाइमस्टोन है, पत्थर है, आपके जो चौक है, जो मार्बल है, वो इसी की अलग अलग फॉर्म्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे आपको चौक दे दिया तो चौक क्या है आपका, एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट ही है। जो आप मार्बल घर पे यूज करते हो वो भी क्या, एक तरह का आपका कैल्शियम कार्बोनेट। आप तो लिख लीजिए साइड में थोड़ा, जो लाइमस्टोन होते हैं आपके, चौक है और आपके मार्बल है, जो स्टोन्स वगैरह हैं आपके, वो सारे क्या हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। किसके डिफरेंट फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट की, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट हमें रिएक्शन करनी है, थर्ड रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेसिस की। अब हमें क्या करना है, एसिड और बेसिस को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवानी है और हमें चेक करना है एसिड और बेसिस अगर एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, रिएक्शन ऑफ, किसकी रिएक्शन शो करनी है हमें, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। अभी तो हमने देख लिया मेटल के साथ रिएक्शन देख लिया एसिड बेस की, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख लिया हमने, सिंपल मेटल्स के साथ हमने देख लिया है। तो अभी हमें क्या करना है कि एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेसिस की रिएक्शन किसके साथ, एक दूसरे के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा हमारा चेक करेंगे। इसमें किसकी रिएक्शन देखनी हमें, एसिड की किसके साथ, बेस के साथ। आप ध्यान रखेंगे जब भी एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। मैं साइड में लिख देती हूँ कौन सी रिएक्शन होगी अभी यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब होती क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है वो भी अब बताऊंगी मैं आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एसिड है और जो बेस है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोल्ट फॉर्मेशन करते हैं और साथ में क्या बनेगा, वॉटर, सोल्ट प्लस वॉटर की फॉर्मेशन होगी। अब देखो ऐसे जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एसिड ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस फॉर्म में होगा ये हमारे पास। दूसरा हमारे पास बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्वस फॉर्म के अंदर होगा। और हमारे पास सोल्ट कौन सा बनेगा, बेस का एन ए, मेटेलिक जो पार्ट है मेटेलिक पार्ट है, और जो एसिड है उसका क्लोराइड पार्ट, वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, NaCl बनेगा, ये सोल्ट फॉर्मेशन है, इसको कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं। और साथ में OH और H, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी आपकी, वॉटर की। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोला गया, क्योंकि एसिड ने बेस के इफेक्ट को और बेस ने एसिड के इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से ना तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक बचा है ना सॉल्यूशन बेसिक बचा है, वो न्यूट्रल हो गया है, ना उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है ना उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वॉटर। इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। जो अब हमारे पास जो सोल्ट आए हैं, कई बार सोल्ट क्या है, तो हमारे पास सोल्ट कैसा आया है, न्यूट्रल सोल्ट, ना तो इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है ना इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ है क्या होते हैं हमारे पास सोल्ट एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ सोल्ट हमारे पास बेसिक नेचर के होते हैं। अब ऐसा क्यों है, एसिडिक नेचर के क्यों है सोल्ट और बेसिक नेचर के क्यों है सोल्ट। अब देखो अगर आप एसिड को स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो जो आपके पास सोल्ट बनेगा उसके अंदर क्या होगा, आपके जो सोल्ट के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, एसिडिक नेचर आ जाएगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस की वजह से, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सोल्ट के अंदर कैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी, बेसिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो सोल्ट आपका एसिडिक नेचर का होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे आप तो सोल्ट आपका कैसे नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का। लेकिन अगर आपने दोनों यूज किए हैं स्ट्रॉन्ग, जैसे एसिड भी स्ट्रॉन्ग यूज किया है बेस भी, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिख रखा है यहां पे, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तब हमारा सोल्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी आप एग्जांपल देख लीजिए कि एसिडिक सोल्ट का कोई एग्जांपल और बेसिक सोल्ट का कोई एग्जांपल, जैसे कि अभी हमने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस में आपको लेना पड़ेगा वीक बेस, क्योंकि आपको एसिडिक सोल्ट बनाना है। तो वीक बेस के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, ये हमारा एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा है हमारे पास, वीक बेस। अब आप देखो क्या चीज स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लिख लिया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, क्या चीज स्ट्रॉन्ग है, किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा रिएक्शन के अंदर, स्ट्रॉन्ग का, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है उसी की तो पावर ज्यादा होगी ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास सोल्ट बन के आएगा, सोल्ट बनेगा हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al मेटल वाला पार्ट जो बेस वाला है, और Cl हमारा जो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हमारे पास सोल्ट आया है उसका नेचर क्या होगा, क्योंकि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो सोल्ट भी कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का, यहाँ पे हम लिखेंगे एसिडिक सोल्ट। और साथ में आपका क्या बनेगा, वही सेम आपका वॉटर रिलीज होगा साथ में H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन से अलग है ये कंसेप्ट, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना है और आपको स्ट्रॉन्ग ही
बेस यूज करना है। यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि एसिडिक सोल्ट क्या होते हैं और बेसिक सोल्ट क्या होते हैं। अब देखो, अभी तो हमने एसिडिक सोल्ट बना लिया, यहाँ पे अभी हम बेसिक सोल्ट की बात करें तो हमें बेस क्या करना पड़ेगा, हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रोंग। जैसे मैं यहाँ पे पहले बेस स्ट्रोंग लिख लेती हूँ, NaOH। इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं स्ट्रोंग एसिड के एग्जाम्पल, स्ट्रोंग बेसिस के एग्जाम्पल, वीक और स्ट्रोंग एसिड और बेस के एग्जाम्पल वहां डिस्कस कर चुके हैं हम। अब देखो, हमने जो एसिड लेना है यहाँ पे तो हमने कौन सा एसिड लिया था, स्ट्रोंग एसिड लिया था। अभी यहाँ पे हम कौन सा एसिड लेंगे, वीक एसिड। और वीक एसिड में कौन से एग्जाम्पल आपके पास, जैसे ऑक्जैलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, कई सारे एसिड है। जैसे हमने एसिटिक एसिड लिख लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड है ये हमारा। ये कैसा एसिड है लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास कैसा एसिड है, वीक एसिड। और जो बेस लिया हमने ये कैसा है, स्ट्रोंग बेस। अब आप बताइए मुझे कि जो हमारे पास सोल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का। स्ट्रोंग कौन है, बेस स्ट्रोंग है, तो सोल्ट का नेचर भी कैसा होगा, सोल्ट का नेचर भी होगा आपका बेसिक नेचर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, वॉटर मोलिक्यूल रिलीज हो जाएगा हमारा एक तो ये, और जो मेटल है वो हमारा कौन सा पार्ट होगा, बेस का, और जो दूसरा पार्ट है हमारा ये किसका यूज होगा, हमारी एसिड का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सोडियम एसिटेट हमारे पास आएगा सोल्ट प्लस वॉटर। जो हमारे पास ये सोल्ट आया है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर। इसका मतलब हमारे पास सोल्ट तीन तरह के होते हैं, एसिडिक सोल्ट भी होते हैं, बेसिक सोल्ट भी होते हैं और न्यूट्रल सोल्ट भी होते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या यूज किया है, एसिड कैसा यूज किया है और बेस कैसा यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। ये दो टॉपिक करेंगे अभी हम। ये फोर्थ है हमारी केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी है जो फोर्थ पार्ट है हमारा ये। इसमें लिखिए फोर्थ पार्ट में, देखिए क्या आपका कि आपको दिखानी है रिएक्शन ऑफ किसकी, रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, किसके साथ, एसिड्स के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जिसने मेटल के साथ क्या जुड़ी होगी, ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। और जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा मैं यहीं पे लिख देती हूँ, कैसे नेचर के होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, दे आर बेसिक इन नेचर। और जितने भी आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड के मैं एग्जांपल भी लिख देती हूँ यहीं पे, जैसे मेटल क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है हमारे पास, मेटेलिक ऑक्साइड। और इन सभी का नेचर क्या होगा हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन सभी का नेचर क्या बताया मैंने अभी आपको, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। अब एग्जांपल के साथ रिएक्शन को लिख लेते हैं पहले हम। सबसे पहले मैंने लिखा है मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद, किससे रिएक्शन दिखानी है हमें, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एसिड, रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर। किस चीज की फॉर्मेशन होगी, सोल्ट की और वॉटर की। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन को शो करने के लिए। जैसे कि हमारे पास है अभी कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, अभी हमने लिखा था ना कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटेलिक ऑक्साइड है। यहाँ पे हमने एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी आप देखिए आपके पास सोल्ट कौन सा बनेगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, सोल्ट को हम। और साथ में क्या रिलीज होगा आपके पास, वॉटर मोलिक्यूल। बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन, बैलेंस कर लेंगे आप इसको, बैलेंस हो चुकी है अभी ये। तो जब भी आपके मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या, किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सोल्ट की और वॉटर की। अभी हम नेक्स्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ किसकी, रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, किसके साथ, बेसिस के साथ। देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जैसे हमने लिया है अभी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है और उसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी है हमने, ऑक्सीजन के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे क्या है हमारे, मेटेलिक ऑक्साइड, जिसमें हमें नॉन मेटल को किसके साथ जोड़ना है, ऑक्सीजन के साथ। अब कार्बन ऑक्साइड हमारे पास क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, बेस के साथ। बेस ले लीजिए आप कोई भी, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अब हमारी रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वॉटर। सेम है आपका, ये क्या है, सोल्ट है,
वाटर है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिया आपने और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई आपने, बेस के साथ। तो जब भी आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, साल्ट की, और साथ में क्या रिलीज होता है आपका, वाटर मॉलिक्यूल। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम एसिड और बेसिस की को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड और बेसिस विद वाटर। एसिड और बेस को अगर वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। एसिड भी चेक करना है हमें, बेस भी चेक करना है, किसके साथ, वाटर के साथ, इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड क्या बनाएंगे वाटर के साथ रिएक्शन करके, और बेस है वो क्या बनाएंगे किसके साथ रिएक्शन करके, वाटर के साथ रिएक्शन करके। सबसे पहले मैं एसिड ले लेती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, वाटर के साथ करनी है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। जो H3O पॉजिटिव है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में कौन सा आयन बनेगा आपका, क्लोराइड आयन। अब देखो है क्या कि ना, जो हमारा एसिड है, एसिड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट। जैसे एच है पॉजिटिव पार्ट है, आयनिक पार्ट है, और ये नेगेटिव पार्ट है। जब भी हम किसी भी एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो जो इसके आयनिक पार्ट है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे इसका एक्चुअल में हुआ क्या है, जैसे ही हमने HCl और वाटर को ऐड किया है तो इसके दो पार्ट बन गए हैं, एक एच पार्ट बन गया है, एक सीएल पार्ट बन गया है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वाटर हम आपका एज इट इज है। तो क्या होता है आपका, जो हाइड्रोजन आयन है ये कभी भी अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंबाइनिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एलोन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ये साइड में लिख देती हूँ, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन क्या है ये आपका, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, ये कभी भी अकेला नहीं रहता, ये क्या करता है, ये किसी ना किसी के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ेगा यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जब ये हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो आपके पास क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में जो भी ये है आपका क्लोराइड आयन। तो जो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग किया है, ये काम किसने किया है, वाटर ने किया है। तो जो आपके आयन्स बनते हैं, हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होती है, वो तभी होगी जब आप एसिड के अंदर क्या मिक्स करते हैं, एसिड के अंदर क्या मिक्स करते हैं आप, वाटर। मतलब जो आपके एसिड जो डिसोशिएट होते हैं आयन्स के अंदर, वो आयन्स के अंदर तभी डिसोशिएट होंगे जब आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे, वाटर की एडिशन करोगे। अगर वो ट्रेडिशन नहीं है तो आपका जो एसिड है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आयनिक फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, वाटर डालना पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमें चेक करना है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ बेस इन वाटर। ये तो हमने एसिड लिया था, अभी हम क्या लेंगे, ये हमने क्या लिया है, एसिड लिया है, अभी हम क्या लेंगे, बेस। बेस जैसे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस कौन सा ले रहे हम यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया गया है, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, वाटर की एडिशन करनी है, एक्वस सॉल्यूशन बनाना है इसको हमें। तो ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में था, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में है। तो जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम आयन्स अलग हो जाएंगे और जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ये दोनों आयन्स किस स्टेट में आ जाएंगे, किस फॉर्म में आ जाएंगे, हमारे पास एक्वस फॉर्म में। तो जब भी हम बेसिस को वाटर के साथ एडिशन करते हैं तो बेसिस ऑल्सो डिसोशिएट इंटू आयन्स। और बेस कौन से आयन्स देते हैं, यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी बेस को वाटर के अंदर एड किया जाता है, बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन्स। और जो एसिड है जो वाटर से रिएक्शन करते हैं, दे गिव हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोनियम आयन्स। हाइड्रोजन आपने देखा ना, पहले तो हाइड्रोजन ही बनते हैं, हाइड्रोजन के बाद ही आपके हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एसिड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन्स, नियम आयन्स। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं बेसिस के साथ। और एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जब भी बेस वाटर से रिएक्शन करते हैं तो कौन से आयन्स की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोक्साइड आयन की। और जब भी आपके एसिड वाटर से रिएक्शन करते हैं तो कौन से आयन की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि हाइड्रोनियम आयन तो तभी बनेगा ना जब हाइड्रोजन आयन उसके साथ रिएक्शन करेगा। अब उसके बाद ध्यान देने वाली बात कि जो हमारे बेसिस हैं वो सारे के सारे बेसिस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, सारे के सारे। क्या था हमारे पास, बेस ही था ना, सारे के सारे बेस वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होते, वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते। तो ऐसे बेस,
ऐसे बेस, देखो अभी हमने लिखा ना NaOH, ये क्या है, वाटर के साथ ऐड हो गया है, इसने रिएक्शन की है, आयनिक फॉर्म आ गई हमारे पास, एडिशन हो रही है ना इसके साथ वाटर की, तो ऐसे बेस जो वाटर के साथ डिसोल्व हो जाते हैं, आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं सोल्यूशन फॉर्म के अंदर, तो उन बेसिस को हम बोलते हैं अल्कली। क्या बोला जाता है उन बेसिस को? अल्कली। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। नेक्स्ट इसे लिख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं व्हाट आर अल्कली, अल्कली क्या है, अल्कलीज आर बेसिस, अल्कली क्या है, एक तरह के बेस ही है, लेकिन ऐसे बेस जो कि वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएं। अभी हम लिख देते हैं यहां पे कि अल्कली क्या है, अल्कली क्या है, दे आर बेस, बेस ही है ये, लेकिन कैसे बेस, विच कैन डिसोल्व इन, किसके अंदर डिसोल्व हो सकते हैं ये, इन वॉटर, ऐसे बेस जो वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म बना दे उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ऑल अल्कली आर बेसिस, सारे के सारे अल्कली बेस हैं, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। क्या बोला है मैंने, ऑल अल्कली आर बेसिस, सारे के सारे अल्कली बेसिस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, आर नॉट अल्कली, सारे के सारे बेस अल्कली नहीं है, लेकिन सारे के सारे अल्कली बेसिस हैं। क्या लिखा हमने, अल्कली क्या है, बेसिस हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं है, अल्कली की डेफिनेशन लिखी थी हमने। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका, आपने देखा होगा आपको लैब वगैरह के अंदर ना कुछ एक डेंजर साइन लगे होते हैं कि हमें इन केमिकल्स को टच नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है कि ना जो हमारे कुछ एक एसिड और बेस स्ट्रोंग होते हैं और कभी भी हम एसिड के अंदर वाटर मिक्स नहीं करते, हम हमेशा क्या करते हैं, पानी लेंगे नीचे सॉल्यूशन, जो वाटर लिया हमने, वाटर के अंदर हम हमेशा क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे। जैसे हमने भी यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली है, इस टेस्ट ट्यूब में नीचे हमने रखा है, आपसे पूछ रही हूं मैं ये कौन सी पोजीशन राइट होगी, नीचे तो एक में रख लिया हमने एसिड, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने नीचे रखा है वाटर, ये एसिड रख लिया हमने, यहां पे हमने क्या रखा है, वाटर। हमें क्या करना है, एसिड और वाटर को हमें मिक्स करना है, इसमें हमें क्या मिक्स करना है, वाटर, और इसमें हमें क्या मिक्स करना है, एसिड। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली हमने जिसके अंदर क्या है, इसमें आपका यहां पर क्या है, वाटर है, यहां पर दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले रहे हैं, यहां पे वाटर लिया, तो हमने इसमें क्या ले लिया, मान लिया हमने ले लिया यहां पे एसिड। तो कौन सी सिचुएशन ठीक होगी, कौन सी सिचुएशन हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन नहीं होगी। देखो एसिड्स क्या करते हैं, मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, जब भी एसिड के अंदर वाटर मिक्स किया जाता है ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से क्या हो सकता है, जो हमारा मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट, पूरा का पूरा मिक्सचर बाहर निकल के आ जाएगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मिक्सचर कैसा होगा, गर्म होगा, जिसकी वजह से हम जल जाएंगे। तो कभी भी हम इस सिचुएशन को फॉलो नहीं करेंगे, हम कभी भी एसिड के अंदर वॉटर मिक्स नहीं करेंगे, एक बिल्कुल गलत तरीका है, एसिड में वॉटर कभी मिक्स नहीं किया जाता। अब आपको क्या करना है, सिचुएशन कौन सी ठीक है, क्या करें, अभी हम हमेशा हम क्या करेंगे, एसिड को धीरे धीरे स्टरिंग वे में, स्टरिंग मतलब धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे आप, और उसको किसके अंदर ऐड करना है, वॉटर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, एनर्जी है, अगर इसको धीरे धीरे वॉटर के अंदर ऐड किया जाएगा तो धीरे धीरे एसिड क्या करेगा, अपनी हीट एनर्जी को रिलीज करेगा, एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी। तो जो प्रॉपर वे है एसिड और वॉटर को मिक्स करने का, वो क्या होता है, हमेशा हम नीचे क्या लेंगे, वॉटर लेंगे, और वॉटर के अंदर हमें क्या मिक्स करना है, एसिड मिक्स करना है, दिस इज द राइट वे। तो आप लिख सकते हो कि जो एसिड और जो वॉटर है जब उनको मिक्स किया जाता है तो कैसी रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, सो वी ऑलवेज मिक्स एसिड इन वॉटर, हाँ इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमें एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करना चाहिए बाय कॉन्स्टेंट स्टरिंग, स्टरिंग हिलाते हुए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी जो कि हमारे लिए बहुत डेंजरस होगी।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये जैसे आपको पता है ये एसिड है ये बेस है। अब एसिड है तो कितना स्ट्रोंग एसिड है, बेस है तो कितना स्ट्रोंग बेस है, तो उसको पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे सिंपली इंडिकेटर्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक स्पेशल इंडिकेटर की बात करेंगे जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, पहले वो लिख लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इसके अंदर कई सारे इंडिकेटर्स को मिक्स किया जाता है तब जाके इसको बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और सबसे खास चीज क्या है कि इसमें ना किसी दो इंडिकेटर्स का यूज नहीं करना हमें, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि हमें ब्लू लिटमस यूज करना है, रेड लिटमस यूज करना है, हमें दो दो इंडिकेटर्स यूज करने पड़ रहे हैं। एसिड के लिए अलग केस आएगा, बेस में अलग केस देते हैं, वो मिथाइल ओरेंज है एसिड में रेड कलर दे रहा है, बेस में वो येलो कलर दे रहा है। लेकिन ये एक इंडिकेटर ऐसा है जो हम कॉमन एसिड और बेस दोनों के लिए यूज करेंगे और वो हमें दोनों का ही रिजल्टेंट देगा, ये बताएगा एसिड है या बेस है, ये तो बताएगा ही बताएगा। साथ में हमें ये भी बताएगा कि एसिड है तो कितना एसिडिक है, बेस है तो कितना बेसिक है, स्ट्रोंग है वीक है, मतलब हमें स्ट्रेंथ बताएगा ये एसिड और बेसिस की। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर या सेवरल इंडिकेटर्स। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है ये, सेवरल इंडिकेटर, मतलब इसके अंदर जो फिनोक्लिन है, मिथाइल ओरेंज है, जो लिटमस है, वो सब कुछ मिक्स होता है इसके अंदर, कई सारे इंडिकेटर्स का क्या है, मिक्सचर्स है। इट शोज डिफरेंट कलर्स, ये हमें अलग अलग कलर शो करेगा, कब करेगा अलग अलग कलर शो हमें, एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ किसकी कंसेंट्रेशन में, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन में, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग इसका कलर में क्या आ जाएगा, चेंज नजर आएगा हमें। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए आपके पास दो चीजें होती है, एक तो होता है पीएच पेपर और एक होता है पीएच स्केल। जैसे हमें कोई भी सॉल्यूशन दे दिया, हमें क्या करेंगे, हमारे पास एक पीएच स्केल भी होगा, उस पीएच स्केल और एक पीएच पेपर, पेपर के ऊपर क्या लगा होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की कोटिंग की जाती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिप कर दिया जाता है पीएच पेपर को। फिर हमें क्या करना है, पीएच पेपर को हमें जो भी सॉल्यूशन दिया है, चाहे वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, हमें उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है। जैसे हम पीएच पेपर को सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे उसका कलर चेंज आ जाएगा, फिर उस कलर को हमें पीएच स्केल के साथ मैच करना है, फिर पीएच स्केल में जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन जो हमने टेस्ट किया है वो एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल है, कैसा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पीएच स्केल और पीएच पेपर दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। पीएच स्केल में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग कलर को लिखा जाता है इसके ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, जीरो, और सेंटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसेंट्रेशन कैसी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे सेवन, और जो लास्ट है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी आपकी, फोर्टीन। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि जो आपके पास वन और टू जो नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन तक हो चुका आपका, उसके बाद एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, 14 बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जहां जितना आपका मतलब लेफ्ट साइड चलेंगे, आपके पास दो साइड है, एक राइट साइड है और एक आपके पास है लेफ्ट साइड, जितना आप लेफ्ट साइड जाते जाएंगे उतनी ही आपका एसिडिक जो नेचर है वो बढ़ता चला जाएगा, और जितना ही सेवन से आप राइट साइड जाएंगे उतना ही आपका बेसिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। और जो आपका प्योर वाटर है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो किसके आसपास होती है, सेवन, अगर आपको प्योरिटी मापनी है आप पीएच पेपर से वाटर की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। और जो हमारा ब्लड है उसकी जो पीएच वैल्यू है उसकी होती है हमारी अप्रोक्स 7.4, स्लाइटली बेसिक नेचर होता है हमारे ब्लड का। अब देखो जो ये कलर है ये भी हमारे विबग्योर के अकॉर्डिंग ही कलर होते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका यहाँ पे होगा रेड, फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ग्रीन के बाद है फिर आपका यहाँ पे ब्लू, पर्पल, वॉयलेट।
मतलब जैसे कि आपके पास एक पीएच पेपर है, आपने सॉल्यूशन के अंदर डाला, अगर कलर आ गया है ग्रीन, तो इसका मतलब कि आपको क्या आइडिया होगा कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल का है, क्योंकि यहाँ पे नंबर कितना है 7। और अगर आपका कलर आता है वॉयलेट, तो आपका जो कलर वॉयलेट की वजह से आप पहचान पाएंगे कि आपका सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक में भी कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। और जितना आपका कलर रेडिश आता जाएगा, येलो से या ऑरेंज या रेड की तरफ आप चलते जाएंगे, उतना ही आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो यहाँ पे हम नंबर मेंशन कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये क्या है आपका 12, 13 और 14। तो ये क्या है आपका पीएच स्केल, स्केल है आपका, जिससे आप क्या बता पाएंगे, स्ट्रेंथ बता पाएंगे एसिड की और बेस की। और इस स्केल को यूज करने के लिए आपके पास पहले क्या होगा, एक पीएच पेपर, जिससे आप क्या बता पाएंगे, स्ट्रेंथ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक और, यहां पे हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि जो एसिड है उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे हम बेस की तरफ जाते जाएंगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, और OH जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन है उनकी कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, ज्यादा। यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, न्यूट्रल है आपका। और 7 के अंदर क्या होगा, जितनी आपकी एच आयन की कंसंट्रेशन है उतनी आपकी सेम किसकी कंसंट्रेशन होगी, OH आयन की। तो यहाँ पे इसको हम शो कर रहे हैं अभी, ये सारा क्या आपका, ये पूरा ये किसकी कंसंट्रेशन शो करेगा यहाँ पे, एच आयन्स की। और जो नीचे आपका ये किसकी कंसंट्रेशन शो करेगा, आपकी ओ एच आयन्स की। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई भी एसिड है, एसिड के अंदर ये नहीं है कि ओ एच आयन्स नहीं है, एसिड के अंदर ओ एच भी होगा, लेकिन कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी होगी, उसके अंदर एच की। और बेस के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, आपके ओ एच की। और बेस के अंदर भी एच आयन होंगे, क्योंकि ओ एच में क्या है, एच आयन्स तो है ही आपके, लेकिन बेस के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ओ एच की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। और एच की कंसंट्रेशन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन कम है, एच की, और किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, OH की। और एसिड की तरफ देखिए, एच की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और OH की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एच की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड आप जितना जाते जाएंगे एसिडिक जो करेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज। और जितना आप बेस की तरफ जाते जाएंगे उतना ही क्या होगा आपका, राइट साइड जाते जाएंगे बेसिक जो नेचर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीज। अब देखो अगर आपको जैसे कोई भी सॉल्यूशन दे दिया और आपके पास पीएच वैल्यू आ गई है 2, तो उस पीएच वैल्यू से आप क्या बता पाएंगे कि जो आपका जो सॉल्यूशन आपको गिवन है वो कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और जितने ही आपका कलर में चेंज आता जाएगा, जैसे कि आपका ब्लू कलर ग्रीन से ब्लू या वॉयलेट या इंडिगो, अगर आपको इस तरह का कोई कलर मिल रहा है, तो आप क्या बता पाएंगे कि आपका सॉल्यूशन कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का। और जो पीएच है, इसमें पी का मतलब क्या है, पावर, जो हमने यूज किया ना अभी पीएच पेपर, पीएच स्केल, पीएच पेपर। और पीएच पेपर में क्या होगा, एक तरह का नॉर्मल पेपर होगा, उसके ऊपर बस यूनिवर्सल इंडिकेटर को लगा देते हैं उसके ऊपर। और पीएच स्केल में क्या, स्केल मतलब एक तरह का एक हमारे पास कोई भी चीज को मापने का, और किस चीज को मापने के लिए यूज कर रहे हैं स्केल को, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की पावर को। तो पी का मतलब क्या है, पावर ऑफ, एच का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो हम पीएच का यूज करते हैं उसका काम क्या है, हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन मापना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। पीएच स्केल का यूज क्या करते हैं हम, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स को चेक करने के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी एवरीडे है वहां पे हम पीएच का क्या यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, जो एवरीडे लाइफ है हमारी वहां पे पीएच का क्या यूज है। सबसे पहले तो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करते हैं। अगर पीएच में ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा तो लाइफ क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म मरना शुरू कर देंगे। अब देखो हमारी बॉडी का जो पीएच है वो कितने पीएच पे काम करती है हमारी बॉडी को, अगर प्रॉपर वे में आपको काम करवाना आपकी अपनी बॉडी से, तो हमारी बॉडी का जो पीएच है, अवर बॉडी वर्क्स एट पीएच रेंज ऑफ, कितनी पीएच रेंज पे हमारी बॉडी अच्छी तरह से काम करती है,
7.0 टू 7.8। अगर पीएच इतना है हमारी बॉडी का तो हमारी बॉडी क्या करेगी, अच्छी तरह से वर्क करेगी। अभी हमने किया था ना कि जो हमारे ब्लड का पीएच है वो कितना होता है 7.4, मतलब हमारे ब्लड का पीएच जो बॉडी का पीएच है वो इसके बीच में रहना जरूरी है। उसके बाद जो हमारा एसिड रेन है, एसिड रेन कब बोला जाता है, जब हमारे वाटर का जो पीएच है, जो रेन का पीएच है वो कितना हो जाएगा हमारा लेस देन 5। अगर वाटर जो रेन है, रेन वाटर है, अगर उसके वाटर का पीएच लेस देन 5.6 हो जाएगा तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। ये कैसी रेन हो गई, अगर पीएच की वैल्यू कितनी होगी लेस देन 5.6, उस रेन को क्या बोला जाता है, एसिड रेन। और जो एसिड रेन है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या होगी, उनकी लाइफ को क्या कर देगी, डिफिकल्ट बना देगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं। ज्यादा पीएच चेंज होगी तो हमारे प्लांट की ग्रोथ हेल्दी नहीं होगी। उसके बाद है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको पता है कि हमारा जो स्टमक है वो कौन सा एसिड रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर डाइजेशन को प्रॉपर वे में वर्क करवाना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज होना क्या है, जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, ओवर ईटिंग करते हैं हम, तो जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा सिक्रेट होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस खाना पड़ेगा। आपको पता है ना एसिड को न्यूट्रल कौन करता है, बेस करता है। तो हमें क्या खाना पड़ेगा, बेस। जो इनो वगैरह यूज करते हो ना वो बेसिक नेचर के ही होते हैं। इसके अलावा आपका जैसे बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो आप एसिडिटी को कम करने के लिए, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक मिल्ड बेस है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बेस तो खा ही नहीं सकते, कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो मिल्ड या वीक बेस यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, एक तो आपका बेकिंग सोडा हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। एक नंबर में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के फॉर्मूला क्या होगा या किसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब जो आपके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंट एसिड बोलते हैं। एंट एसिड आर दो सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी। लिख देती हूं मैं यहां पे एंट एसिड, डिफाइन कर ले रहे हैं आप इसको। एंट एसिड क्या होते हैं, ऐसे दीज आर बेसिक।